हेलो नमस्कार दोस्तों, 2 जुलाई 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज कौन कौन से एडिटोरियल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो साइड में आर्टिकल आया है, ये आया है एक्चुअली IRDAI, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसका। इसके साथ ही इसमें LIC और IDBI बैंक है, इन तीनों का एक केस है, इश्यू है, उसको लेके आर्टिकल बताया गया है कि भाई रिस्क की रिसोर्स वगैरह है, तो इसको हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे जो आइलैंड है, ये आइलैंड बता ये सॉरी ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल में बताया गया है कि इंडिया और सेचल्स के बीच में जो इजिप्शियन आइलैंड का जो इशू चल रहा है दोनों को लेके, उसकी बातें यहाँ पे की गई हैं। तो उसके बारे में जो बेसिक पॉइंट है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे ये जो बड़ा वाला आर्टिकल है, यह है भीमा कोरेगांव बैटल के बारे में। तो इस आर्टिकल को आज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इस आर्टिकल को हम कल या फिर जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हम थोड़े काफ़ी लेट हो गए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल है स्पेस वॉर के बारे में। जैसे देखो हर कंट्री के पास नेवी एयरफोर्स ऐसी होती हैं, उसी तरीके से US है, वो अभी प्लान कर रहा है कि भाई स्पेस के अंदर भी एक स्पेस आर्मी है वो तैयार की जाए, ताकि स्पेस के अंदर लड़ाई वड़ाई करने के लिए मतलब एक तरह से महारत हासिल है वो की जा सके। तो इस आर्टिकल में कुछ पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप बोल सकते हो कि एक वॉर की होड़ है वो सीधी शुरू हो जाएगी, एक वो आर्म रेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, क्या क्या इसके नुकसान वगैरह हैं, क्या क्या उसके कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो बड़ा आर्टिकल है, ये आर्टिकल आया कि भाई नीति आयोग ने अभी एक पेपर तैयार कर रहा था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है इसका कैसे यूज़ किया जा सकता है, कहाँ कहाँ इसकी स्कोप है इंडिया में कैसे वगैरह, एक मतलब पूरा एक फ्रेमवर्क वगैरह बनाया जा रहा था। तो इसमें यहाँ पर डिस्कस किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक पावर हाउस के फॉर्म में। यहाँ पर आर्टिकल मंडे को आता है, इसमें लास्ट वीक के जो आर्टिकल्स हैं उसके बारे में तो कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं, ये और ये आर्टिकल भी कुछ इतने काम के हैं नहीं। तो अब चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले हम रिस्क की रिसोर्स के बारे में ही देख लेते हैं क्या है सारा सीन है, वो भी हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। एक सेकंड देखो, इस आर्टिकल में आपको तीन चीज़ें बता दूँ पहले क्या है। एक तो है IRDAI, ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। जिस तरीके से आपको पता है कि जो भी फाइनेंशियल कंपनीज वगैरह होती हैं, जैसे आप कह सकते हो कि शेयर मार्केट हुआ, तो इसको रेगुलेट करने के लिए सेबी होता है। उसी तरीके से टेलीकॉम जो रेगुलेटर होते हैं इनको बोलते हैं हम ट्राई के नाम से बोलते हैं, TREI के नाम से, जो कि टी से टेरिया ट्राई के सॉरी ट्राई के नाम से जानते हैं, जो कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि टेलीकम्युनिकेशन को रेगुलेट करती है, इस मोबाइल हुई जो कंपनी हुई रिलेटेड इनको। तो उसी तरीके से IRDAI है वो क्या करती है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया में जो इंश्योरेंस कंपनी है या जो भी इंश्योरेंस प्लान वगैरह लिखे, तो इनको रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई फ्रेमवर्क होना चाहिए ना, वो है IRDAI का। अब आपको पता है कि LIC है वो भी लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा रही है, तो LIC ऑब्वियसली किसके अंडर में, मतलब LIC का रेगुलेटर कौन होगा, IRDAI होगा। ये बात आपको यहाँ आगे समझ में। अब देखते हैं अगला इशू है क्या, क्या सारा सीन है बैकग्राउंड के साथ। अब देखो एक IDBI एक बैंक है, ये तो आप जानते हो पब्लिक सेक्टर का बैंक है, गवर्नमेंट का ऑब्वियसली। ये बैंक क्या है कि काफ़ी घाटे में चल रहा है, घाटे में क्या लगभग 10,000 करोड़ के आसपास बैंक का NPE हो गया, काफ़ी दबा के घाटे में है ये बैंक। और पिछले अगर लास्ट क्वार्टर का भी आप देखो तो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान है वो हुआ हुआ है। तो अभी हुआ क्या, ये जो LIC था ना गवर्नमेंट, देखो LIC वो भी आपको पता है गवर्नमेंट के अंडर ही आती है, और जो IDBI बैंक है वो भी ऑब्वियसली गवर्नमेंट का ही, क्योंकि मैक्सिमम स्टेक होल्डर दोनों की गवर्नमेंट है। तो अभी गवर्नमेंट ये प्लान कर रही थी कि भाई LIC ज़्यादा प्रॉफिट में चल रही है, तो LIC का जो पैसा है ना वो IRDAI में इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, IDBI बैंक में इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, और फिर उसके बाद इस IDBI बैंक की हालत है वो सुधारी जाए। बट आप एक चीज़ यहाँ पे जानते हो कि इसके लिए परमिशन लेनी होगी IRDAI से, और IRDAI ने क्या वहाँ परमिशन भी दे दी LIC को कि हाँ भी आप पैसा है वो IDBI बैंक में इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि IRDAI है उसको वो कौन सी केंद्र, ओब्वियसली गवर्नमेंट की बातें मानेंगे मैक्सिमम, LIC वो भी गवर्नमेंट के, तो मतलब सीधी सी बात क्योंकि गवर्नमेंट है वो LIC का पैसा दूसरी जगह इन्वेस्ट कर रही है IDBI में। ये था भी सारा सीन इशू। बट इससे दिक्कत क्या आ रही है वो हम देखते हैं। देखो बात ऐसी है कि LIC का काम अलग है, और LIC के जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, जिन लोगों ने इंश्योरेंस वगैरह खरीदी है, वो लोग नहीं चाहते कि भाई उनका पैसा IDBI बैंक में दिया जाए, क्योंकि IDBI बैंक काफ़ी लॉस में है, तो वो नहीं चाहते कि ना कि भाई उनका नुकसान ज़्यादा हो सकता है। देखो अगर भगवान ऐसा ना करे कि LIC है वो IDBI बैंक में पैसा इन्वेस्ट कर रही हो ताकि इसकी हालत सुधर जाए और इसकी हालत और ज़्यादा खराब हो जाए, तो इससे होगा क्या, IDBI बैंक तो डूबा ही डूबा, ये भी डूबा, मतलब हम तो डूबे सर, आपको भी ले डूबे। तो इसीलिए जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको डर लग रहा है कि यार हमारा पैसा डूब सकता है, और वो नहीं चाहते कि गवर्नमेंट है वो LIC का पैसा IDBI बैंक में इन्वेस्ट करें। तो ये सारा अभी लिए इश्यू है वो चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि IDBI बैंक है उसका NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है,
और गवर्नमेंट इस घाटे को रिकवर करने के लिए चाहती है कि भाई LIC का लाइफ इंश्योरेंस जो कॉरपोरेशन है इसका जो पैसा है, क्योंकि ये प्रॉफिट में, तो इसका पैसा IDBI बैंक में इन्वेस्टमेंट कर दें ताकि IDBI बैंक उसकी हालत सुधर जाए। बट इसीलिए सारा इशू है वो मामला उधर रहा है। दिक्कत कहाँ से आ गई? दिक्कत ये आ गई कि भी IRDAI ने भी परमिशन दे दी कि हाँ भैया पैसा इन्वेस्ट कर दो। बट इश्यू सबसे बड़ा यहाँ पे ही आ जाता है कि लोग नहीं चाहते कि भाई उनका पैसा एक ऐसी जगह लगाया जाए जहाँ पे डूब भी रहा हो, पैसा वापस आने के चांसेस नहीं हो। क्योंकि देखो अगर LIC डूबी तो वो लोग तो गालियाँ देंगे ना कि यार हमारा पैसा गवर्नमेंट ने दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दिया, ये है वो है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ गलत है ना, तो गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस चीज़ में राइटर के द्वारा ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो बताए गए। तो मैंने आपको सारा जो सीन था, केस था, सिनेरियो था, वो बता दिया कि घाटे में क्यों चल रहा है। क्योंकि घाटे में तो देखो पता है कि काफ़ी NP हो रखा है इन बैंकों को ऑलरेडी, क्योंकि जो पैसा है लोन का वो तो रिकवर कर नहीं रहे हैं, ना ही पॉलिसी वगैरह में पैरालिसिस से वो आ जाता है, ना ही ढंग से काम कर रहे हैं। तो इन सब की वजह से वो बैंक है वो हालत ज़्यादा खराब हो रखी है। अब देखते हैं हम अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल हम देखते हैं ट्रंप साहब का जो स्पेस वॉर है उसकी बात देखते हैं। देखो अभी ट्रंप ने नई एक्शन ली, नया अनाउंसमेंट किया। जैसा कि आप जानते हो कि ट्रंप हमेशा कुछ ना कुछ धमाका करते ही रहते हैं, तो उनकी एक ही पॉलिसी कि अमेरिका फर्स्ट। तो मतलब वो पूरे वर्ल्ड में ये चाहते हैं कि बस उन्हीं को होना जाना चाहिए, सब जगह पे ट्रंप ट्रंप है उसका नारा चले। और इसीलिए उन्होंने अभी एक पॉपुलिज्म, या पॉपुलिज्म का मतलब होता है लोक लुभावनवाद। तो लोक लुभावनवाद के नाते ही उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लेके वो था स्पेस फोर्स, कि भाई उन्होंने कहा कि हम स्पेस के लिए भी फोर्स वगैरह वो बनाएंगे, ये है वो है। अब देखो बात ऐसी है कि बाहर की जो और कंट्री है USA के, वो तो इस चीज़ का विरोध कर ही रही है कि हाँ बेवकूफ़ इंसान है, ये वो है। बट USA के इंटरनल जो बोल सकते हो आप पॉलिटिक्स है, जो इंटरनल और भी चीज़, और भी डिपार्टमेंट, और भी वो चीज़ें हैं, वो सब इस चीज़ का विरोध करें कि भाई ये बेतुका स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे फालतू का खर्चा वगैरह बढ़ेगा और लॉस होगा, इस लड़ाई में कोई सोल्यूशन वगैरह नहीं रखा हुआ है। तो देखो थोड़ा हम बैकग्राउंड पे जाते हैं। बैकग्राउंड का सिनेरियो क्या है? जब कोल्ड वॉर हुआ था आपको पता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हो गया था, तो उस दौरान पे एक होड़ लग गई थी वेपन बनाने की। USA ने न्यूक्लियर वेपन उस टाइम पे बना लिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, तो इसीलिए रशिया ने फिर न्यूक्लियर वेपन बनाए। और फिर हालात ही हो गए थे कि आज के टाइम पे रशिया के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है। तो मतलब एक न्यूक्लियर वेपन की लड़ाई सी स्टार्ट हो गई थी, जंग सी छिड़ गई थी, रेस सी लग गई थी कि हाँ भाई ठीक है हमें भी वेपन बनाने हैं, हमें भी। और उसी भीड़ के अंदर इंडिया भी शामिल हो गया, फिर उसके बाद पाकिस्तान भी है, चाइना भी, काफ़ी सारी कंट्रीज हैं वो बिखैर भी शामिल हो गई हैं। यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है कि भाई कौन कौन सी कंट्री शामिल हो गई, बस मैं आपको एक फ्रेमवर्क बता रहा हूँ कि देखो कोल्ड वॉर के बाद सीन क्या स्टार्ट हुआ था। एक कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन बनाया तो बाकी सब ने न्यूक्लियर वेपन बनाना शुरू कर दिया, वो इसी का अंजाम है कि अभी नॉर्थ अमेरिका ने भी, सॉरी नॉर्थ कोरिया ने भी अभी न्यूक्लियर वेपन बनाया, वो इसी का एक आप एग्जांपल बोल सकते हो कि इस होड़ की वजह से। क्योंकि देखो बात ऐसी कि आज के टाइम पे न्यूक्लियर वेपन को छोड़ना तो काफ़ी मुश्किल हो गया कि आप उसको एक्सप्लोइट करो, बट उसका मेन बात यह कि एक डिटरेंस क्रिएट की जाती है कि हाँ भाई अगर आपने हम पे अटैक किया तो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया का अनुसार न्यूक्लियर वेपन किसी कंट्री पर छोड़ रहा है, बट उसने एक डिटरेंस बना लिया कि हाँ अगर उनके ऊपर किसी ने कोई छिड़कानी की तो न्यूक्लियर वेपन फोड़ देंगे। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो एक भय या एक डर पैदा करने के लिए न्यूक्लियर वेपन का यूज़ है वो किया जा रहा है। तो सेम वही सीन है कि अब ट्रंप ने क्या किया, पॉपुलिज्म, उनको अगले से वापस इलेक्शन आने वाले हैं अभी जल्दी, तो वो इलेक्शन के चक्कर में उन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आ गए कि हाँ भाई इस बार हम स्पेस फोर्स वगैरह बनाएंगे। अब देखो राइटर ये कह रहे हैं कि अगर स्पेस फोर्स वो बना रहे हैं तो इससे उनको काफ़ी कुछ खर्चा चाहिएगा और बहुत सारा एक्सपेंडिचर उनका बढ़ जाएगा। एक तो उनको काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि देखो स्पेस के अंदर रहना काफ़ी मुश्किल होता है और वहाँ पर आपको सारी चीज़ें अरेंज करना, वहाँ पर आपको जीरो से काम है वो करना पड़ेगा, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसके बाद में स्पेस क्राफ्ट होते हैं, उनको भी फ्यूल एफिशिएंट बनाना होगा, क्योंकि अभी जो स्पेस क्राफ्ट हैं USA के पास वो ऐसे नहीं हैं कि उनकी हेल्प से वो फ्यूल एफिशिएंसी को आगे बढ़ा सकें। तो फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तभी तो वो ज़्यादा लोगों को लेके जा सकेंगे ना। तो एक इस बात पर फोकस किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी पे। इसके साथ ही उनको बजट भी काफ़ी बढ़ाना होगा। देखो तो थोड़े बहुत बजट की बात नहीं है, खैर वो अलग बात है कि USA के पास पैसा है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा पैसा उनको खर्च करना होगा। और एक सबसे बुरा इसका नुकसान क्या हो सकता है, वो देखते हैं। ड्रॉबैक इसका सबसे बड़ा ये है कि जो ही अगर USA ने ऐसा स्टेप शुरू उठाया ना, उसके बाद में रशिया भी पीछे नहीं रहेगा, चाइना भी पीछे नहीं रहेगा और बाकी कंट्रीज भी पीछे नहीं रहने वाली। फिर सब में एक होड़ लग जाएगी, एक आर्म रेस है वो स्टार्ट हो जाएगी स्पेस के अंदर कि हाँ भाई हमें भी पहुँचना है, हम भी वहाँ वेपन बनाएंगे, ये वो है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी धरती को विनाश की तरफ लेके जा रहा है, ऐसे वो काम वगैरह नहीं करने चाहिए। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे राइटर के द्वारा जो मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पे बता दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो आया है इंडिया और सेटल्स के रिलेशन के बारे में। देखो अभी आपको बताया कि सेशल्स के प्रेसिडेंट साहब हैं वो इंडिया के प्रधानमंत्री साहब से मिले, बातचीत उनके बीच में हुई, ठीक है। आपको एक चीज़ का भी ध्यान है, आजकल काफ़ी न्यूज़ में इजिप्शियन आइलैंड था, वहाँ पे इंडिया डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा था और इसके लिए एग्रीमेंट भी हुआ था 2015 में, उसमें नेवल बेस वगैरह बनाने की बातें भी थी। बट अभी रिसेंटली हुआ क्या, सेशल्स की हालत इतनी ठीक नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो अपोजिशन का थोड़ा उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा था और इसीलिए उन्होंने एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया कि हाँ भाई इंडिया वहाँ पर कुछ नहीं बनाएगा। तो अभी हम सारा सीन यहाँ पे देखते, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है
एजप्शन आइलैंड, तो आपको एक तो मैप में देखनी है एजप्शन आइलैंड की लोकेशन कहाँ पे है, मालदीप की लोकेशन कहाँ देखनी है, इसके साथ ही आपको देखनी है यहाँ पे मेडागास्कर की। तो आपको इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है, मालदीप, मेडागास्कर और एजप्शन आइलैंड तीनों को, नॉर्थ में कौन जाएगा साउथ में कौन जाएगा सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन है। अब बात ऐसी है कि देखो इंडिया क्यों ऐसा करना चाह रहा है, जैसा कि आप एक चीज़ जानते हो कि इंडियन ओशन के अंदर ही आता है बेसिकली सेजल्स वगैरह सारी कंट्रीज। अब इशू ये हो गया कि अगर इंडियन ओशन के अंडर आ रहा है तो इंडिया चाहेगा ना कि यार अपने एरिया में अपना दबदबा रहे, जैसे कि साउथ चाइना सी वाले में क्या है कि साउथ चाइना सी है उसके अंदर चाइना अपना दबदबा चाहता है, तो इसलिए वहाँ भी वो अपनी मोनोपोली करना चाहता है, तो इंडिया भी भाई अपने एरिया में अपनी मोनोपोली अपने को थोड़ा हीरो मान के काम करना चाहेगा, इसलिए इंडिया ने सोचा कि क्यों ना हम जो हमारे इंडियन ओशन के जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिलकर रहें, और उनके साथ अगर हम थोड़ा रिलेशन और भी ज़्यादा अच्छे रखेंगे, उनके साथ हम थोड़ा मिलकर काम करेंगे तो हमें बेनिफिट होगा और उन कंट्रीज़ भी हमारे साथ बॉन्डिंग है वो हो जाएगी। और इसीलिए आपको देखो रिसेंटली आप एक चीज़ जानते हो कि मालदीव के साथ इंडिया की रिलेशन थोड़ी ठीक नहीं है, जब से वहाँ पे इमरजेंसी लगी थी उसके बाद वहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कतें वो आने लग गई थी, प्रॉब्लम लग रिलेशन ज़्यादा ठीक ठाक नहीं रहे, इवन अभी वर्किंग वीज़ा का भी वहाँ पे इशू है वो सब चल रहा था, तो इसीलिए इंडिया ने चाहा पहले से ही कि नहीं यार हम पहले से हमारी जो भी कंट्री है इंडियन ओशन की उनको साथ हम मिल के साथ चलते हैं तभी हमें फ़ायदा होने वाला है। और इसी दिशा में 2003 से स्टार्टिंग की गई थी कि हम इजिप्शियन जो आइलैंड है मालदीव सॉरी सेटल्स के अंदर इस आइलैंड को हम यहाँ पे बिल्ड है वो करेंगे या इसको डेवलप करेंगे इंडिया। अब देखो इंडिया वहाँ पर डेवलप करता तो फ़ायदा क्या होता, एक तो इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ती, इंडिया की रिसर्चेज वगैरह भी वहाँ पर हो जाती, इसके साथ ही इंडिया को नया एक्सपीरियंस मिलता, इंडिया की वहाँ पे कनेक्टिविटी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती, तो ऑल ओवर इंडिया के जो बोल सकते हो फ्रेंड सर्किट जोन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता और इंडिया को वहाँ पे एक लीड हासिल है वो हो जाती, ये काफ़ी बेनिफिट है वो यहाँ पे होते हैं। इसके बाद ही बात यह कि 2015 में एग्रीमेंट डन हो गया था कि हाँ भाई इंडिया इजिप्शियन आइलैंड को डेवलप करेगा, वहाँ पे नेवल बेस वगैरह भी बनाया जाएगा, ये सब ठीक है, बट वहाँ पे जो विपक्षी पार्टी थी उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि नहीं भाई इंडिया अगर यहाँ पे बना रहा है कुछ भी मतलब नेवल बेस वगैरह तो वो चाइना के खिलाफ यूज करेगा और हमारी चाइना के साथ लड़ाई हो जाएगी, चक्कर में ये हुआ हम नहीं चाहते किसी के साथ, ATC इशू वहाँ पे बन गए और अपोजिशन के डर की या प्रेशर की वजह से जो वहाँ के करंट प्रेसिडेंट साहब थे उन्होंने इसको कैंसिल है वो कर दिया, ये सारा सीन था अभी तक का। अब देखो बात ऐसी है कि जो नेवल बेस बनाया जा रहा था वो कहीं ना कहीं चाइना को भी काउंटर कर रहा था, तो उस चीज़ का एक डर है वो रहा था, अपोजिशन ने वो सब विरोध किया। इसी के साथ ही रिसेंटली आर्टिकल में बता रहे हैं कि सेशेल्स रिलेशन की बात करें तो वहाँ पे एक डोर्नियर एयरक्राफ्ट है जिसका मेनली यूज़ होता है मेरीटाइम सिक्योरिटी या मेरीटाइम सर्विलेंस के लिए, तो ये भी इंडिया ने मालदीव को गिफ्ट सॉरी इंडिया ने सेशेल्स को गिफ्ट किया था ताकि सेशेल्स है वो अपने एशियन इंडियन ओशन के एरिया में अपनी सिक्योरिटी है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें और भी ज़्यादा इंडिया और उसके रिलेशन है वो बूस्ट हो सकें, तो ये तो इंडिया ने ये काम किया था। UPSC इसके बारे में पूछ सकती है डोर्नियर एयरक्राफ्ट के बारे में। इसके बाद में बात ये आती है कि देखो इंडिया ने लीड इसलिए ली थी कि इंडिया नहीं चाहता कि यार अगर इस इंडियन ओशन के एरिया में चाइना की जब प्रेजेंस बढ़े चाहिए यूएसए की बड़ी इंडिया को अच्छा नहीं लगेगा, तो इंडिया ने सोचा कि अगर और कोई कंट्री आके अपना दबदबा बढ़ाए, देखो जिस तरीके से श्रीलंका के अंदर क्या हुआ था, श्रीलंका के अंदर हम्बनतोता पोर्ट है और भी कुछ तो पोर्ट है वहां पे चाइना ने आके अपने दबदबा बनाना शुरू कर दिया, तो उसी तरीके से इंडिया भी तो अपना दबदबा बढ़ाना चाहेगा ना, तो इसीलिए इंडिया ने रखा कि यार हम हमारे रिलेशन भी अच्छे रखते हैं लीड रखते हैं ताकि चाइना जैसी कंट्री जहां अपनी मोनोपोली नहीं बना सके अपने ही एरियो में, तो ये इसलिए यहाँ पे किया गया था मतलब मालदीव की तरह रिलेशन खराब ना हो जाए इससे इंडिया ने पहले ये सब स्टार्ट है वो किया था और अभी कैंसिल क्यों गया वो भी हमने देख लिया। तो ये थी सारी इस कंप्लीट आर्टिकल के पॉइंट, चलते हैं अगले आर्टिकल में। अगला जो आर्टिकल है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंडिया की बात उसमें की जा रही है। देखो इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी स्कोप है, सबसे पहली बात तो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, देखो आपको सीधा सा बताऊं तो आपका मोबाइल भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही आप एक एग्जांपल उसे बोल सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि मशीन के अंदर आप दिमाग डाल दो, जैसे कि आप कई बार इवन आज के टाइम पे काफ़ी पॉपुलर गेम हो गया लूडो हुआ या फिर आप स्कूल कैंडी वगैरह काफ़ी सारे गेम्स ऐसे होते हैं, तो उनमें देखो जब कई बार कंप्यूटर अपनी साइड से गेम खेलता है बिटवीन दो प्लेयर का अपन ऑप्शन वगैरह करते हैं तो जो कंप्यूटर जो भी एक्टिविटी कर रहा है वो क्या हुआ कंप्यूटर के अंदर कुछ ना कुछ हमने फीड किया ना प्रोग्रामिंग के तहत, तो वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टाइप होता है। तो आज के टाइम पे हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो हमारी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड वो हो गई है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। अब बात ऐसी है कि नीति आयोग ने एक तरीके से पूरा फॉर्मेट या उसको खाका सा तैयार करने की कोशिश की कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हो इंडिया में एक पावर हाउस की तरह यूज हो किया जा सके, मतलब इस सेक्टर में इंडिया काफ़ी ज़्यादा आगे जा सकता है। मेनली 5 चीज़ों पर फोकस किया गया था, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्मार्ट सिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सेक्टर में हम अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही ढंग से यूज़ करें तो इंडिया के 4 चांद है वो लग जाएंगे, ये बातें यहाँ पे की गई है। अब देखो हम एक का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर एग्रीकल्चर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रूप क्या क्या यूज़ हो सकता है। देखो अगर कहीं भी बारिश वगैरह आ रही है या कैसी बारिश आने वाली है इसका अगर हमारे पास एक सारा सिंक्रोनाइज डाटा हो तो हम उस डाटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं,
ऑब्वियसली, तो उसी अगर सारे डाटा को डिजिटल होगा तो हम उसको एक्सेस कर लेंगे। तो वही काम यहाँ पे किया जा रहा है कि सारी सोयल की क्वालिटी को अगर हम एक जगह इंटरनेट पे या कहीं पुट कर दें, उसके बाद कहीं भी हमको इन्फॉर्मेशन भेजनी हो तो हम काफ़ी जल्दीली इजीली उसको भेज सकते हैं। तो वही कहीं ना कहीं एक एरिया भी हो गया। सोयल की क्वालिटी हर खेतों की अलग अलग होती है, हर फार्म हाउस की। तो वहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उनके अकॉर्डिंग डाटा बेस तैयार कर सकती है, एक फ्रेमवर्क बना सकती है कि इस साल बारिश ऐसी हुई तो ये नुकसान हुआ था, ये कीट इस टाइम पर बढ़ जाते हैं, ये फर्टिलाइजर हमें यूज़ करने चाहिए। तो वो उन पूरे फ्रेमवर्क का यूज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कर सकते हैं। देखो सारा डाटा डिजिटल कर रहे हैं, उसको हम एनालाइज कर रहे हैं, वो भी एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। कंप्यूटर के अंदर जैसे कि काफ़ी सारी फाइलें होती हैं, हजारों करोड़ों लाखों अरबों, उन फाइलों में से अगर किसी एक फाइल को चूज कर रहे हैं तो वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हुआ ना, कि कंप्यूटर आप जो फाइल आपको चाहिए वो कंप्यूटर आपको लाके दे रहा है कि हाँ भाई ये फाइल चाहिए। जैसे कि हम हमारे मोबाइल के अंदर आप देख सकते हो कि कोई भी चीज़ सर्च करते हैं इवन जैसे गूगल के अंदर, तो वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक टाइप है। हमारे फ़ोन में अगर हम कुछ गाना वाना सर्च करते हैं तो वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक टाइप है। तो मतलब हम इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो चुके हैं। ये हमारी कोई सोयल की क्वालिटी को इम्प्रूव करना हो तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं। कौन से फर्टिलाइजर हमें यूज़ करने हैं, कितनी कितनी क्वांटिटी में करने हैं, अगर ज़्यादा करेंगे तो क्या नुकसान होगा, कम करेंगे तो क्या कमी रह जाएगी, वो सब हम भी कर सकते हैं। इसके साथ वाटर कंजप्शन की बात कर सकते हैं कि कितना वाटर कंज्यूम करना है, इस वाली फसल के लिए मिनिमम बीतने की जरूरत है या नहीं, सारा डाटा हम एक जगह रख सकते हैं और किसानों को उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो मिल सकती है। इसके बाद में बात आती है रिसर्च और इनोवेशन बढ़ेगा, तो उससे तो आपको पता है ऑब्वियसली नई स्किल्स वगैरह आएंगी, नया टैलेंट आएगा, तो ऑल ओवर हमें बेनिफिट है तो होने वाला है। इसके बाद में देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आप बोलोगे कि एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम तभी सक्सेसफुल होता है जब उसके लिए सारा काम है, सारा डाटा है वो डिजिटल हो। मतलब डाटा हमारी बुक वगैरह में तो हम उससे कुछ कर नहीं कर सकते, अगर सारा काम डिजिटल होता है तो हम उसको इजीली एक्सेस है वो कर सकते हैं। और इसीलिए डिजिटल इंडिया की तरफ गवर्नमेंट लगातार प्रमोट कर रही है कि भाई सारा काम डिजिटल हो जाए तो फिर हम सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चीज़ों को कनेक्ट कर देंगे, तो हमें काफ़ी बेनिफिट चीज़ों का हो जाएगा। जब भी हमें किसी चीज़ के बारे में डीप लर्निंग चाहिए होती है तो हमें डिजिटल डेटा को चाहिए होता है। डिजिटल डेटा के बिना हम डीप लर्निंग या हाई स्टडी वो नहीं कर सकते यहाँ वाले एरिया में। इसके बाद बात आती है फंडिंग की, जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा इशू रहता है। तो गवर्नमेंट को फंडिंग है वो राइज करनी चाहिए, और एक अहम बात क्या है, अकाउंटेबिलिटी सिक्योर करनी चाहिए। अभी गवर्नमेंट क्या है कि जगह जगह पॉलिसी वगैरह तो बनाने की बात करती है बट उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। तो गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए अकाउंटेबिलिटी पे और काम भी होना चाहिए। इसके बाद में बात आती है वर्क अकॉर्डिंग टू पेपर प्लान, मतलब हमें पेपर के ऊपर पूरा प्लान बनाना होगा, प्रॉपर प्लान हमें क्रिएट करनी होगी, उसके बाद ही हमें काम करना है। ऐसा नहीं कि हम काम स्टार्ट करते हैं फिर बीच में लटक के बोले यार अब क्या करना है। हमें पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खाका तैयार करना है, कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है इंडिया के सामने, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या उनका सोल्यूशन है, वो सब हमें एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम आ गई तो उसका सोल्यूशन ऐसे ऐसे करना है, इसके बाद ये स्टेप उठाने हैं, इसका ऐसे ऐसे हमें वापस में सर्वे वगैरह करना है। तो सारा काम एक फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग होना चाहिए ताकि जो भी इशू हो वो दूर हो जाए, जो कि अभी चल रहे हैं रिसेंटली। तो ये कंप्लीट आर्टिकल बता रहा है कि डिजिटल डाटा है वो काफ़ी अहम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, इसलिए हमें इस पर फोकस है वो करना चाहिए। तो ये थी आज ही हमारी कंप्लीट डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।